गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में सब कुछ सीख लिया था। आपको दो चैलेंज क्वेश्चन मिले थे, आइए हम पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद अपना आज का टॉपिक होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने हाफ टाइम वगैरह सब कैलकुलेट किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वैसे ही हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ टाइम, कंप्लीशन टाइम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम किसी लिए कैलकुलेट करने जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आगे बढ़िए, देखिए ये था हमारा पहला चैलेंज क्वेश्चन, क्या था? टी 50% फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 1 आवर। आपको टी 50% यानी कि टी हाफ दिया है, दैट इज 1 आवर। When the initial concentration of the reactant A naught is given 2 molar, initial concentration यानी कि A naught की value भी दिया हमें, that is 2 molar. How much time does it take for its concentration to come from 0.5 molar to 0.25 molar? Question में कहा है कि अगर कोई एक रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ आपको दिया है 1 आवर, यानी कि वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा होने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा, वहीं पे उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी दिया गया कितना, 2 मोलर। अब कह रहा है कि अगर उसी रिएक्शन को 0.5 मोलर से लेके 0.25 मोलर तक जाना हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.5 मोलर से कम करते हुए 0.25 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें बताए, यानी कि ये टाइम पूछ रहा है, राइट? तो जनरली क्या होता है, बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, वो डायरेक्ट ये देखते हैं कि टी 50% का मतलब आधा होने में 1 घंटा लगता है। वो यहाँ देखेंगे, ये है 0.5 और ये है उसका आधा, ये है 0.5 और ये है उसका आधा, इसका मतलब 1 आवर लगेगा, 1 घंटा लगेगा। अगर आपने जल्दबाजी में ये काम कर दिया तो आपका गेम हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये ऑप्शन भी दिया होगा, दिया ना, ये लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों गलत हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, हाफ लाइफ दिया गया इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 2 मोलर, 1 घंटे बाद ये कितना बन जाएगा, 1 मोलर, क्योंकि 2 का हाफ 1 मोलर, यानी कि 2 मोलर से लेके 1 मोलर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। आप बताइए, अगर मैं 1 को फिर से आधा करूं तो कितना हो जाएगा, 0.5 मोलर। अब बताइए, अगर मुझे 2 को 1 बनाने के लिए, आधा करने के लिए 1 घंटा लगा, तो 1 को आधा करने के लिए कितना लगेगा, हाँ 0.5 आवर, यानी कि उसका आधा। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझसे ये नहीं पूछा जाए, मुझसे ये पूछा 0.5 से 0.25, आप इसको एक बार फिर से आधा करें, अब उसको आप आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। आप इसको डिवाइड करके देख ले, 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.25। अब बताइए, 0.5 से 0.25 आने के लिए कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा या उसका आधा, हाँ उसका आधा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.25 आवर। ये तो रहा एक ओवरऑल, बेसिक मैथ्स यूज करके आप इसको ऐसे कर सकते थे। दूसरा, अगर आपको ये नहीं पता है तो भी आप परेशान ना हो, आपके लिए ऑप्शन है, जो डेटा दिया गया है इस डेटा से हम पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ में उसको रख के सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टी 50%। बताइए टी 50% का फॉर्मूला क्या बनता है, वेरी गुड, ए नॉट अपॉन 2K। तो देखिए टी 50% कितना है, 1, ए नॉट की वैल्यू कितना है, 2 अपॉन 2K, 2 से 2 कैंसल, यहां से सॉल्व करेंगे आपको K की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगा। अब देखिए, क्योंकि आपको K की वैल्यू पता है तो बस आप फॉर्मूला लगा दें, AT = A0 - KT। आपके क्वेश्चन में क्या है, 0.5 मोलर को 0.25 मोलर तक लेके जाना, राइट? आप बताएं, 0.5 से 0.25 जाना है तो इसमें अगर मुझे इनिशियल मानना हो तो इनिशियल किसको मानेंगे, 0.5 को या 0.25 को, हाँ इनिशियल है ना, स्टार्टिंग वाला,
कितना है 0.5, तो मैं 80 टाइम टी पे कितना हो जाएगा ये 0.25, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.5 माइनस के, के की वैल्यू आपको पता है क्या? हाँ, कितना आई थी 1 × t। आप इसको सॉल्व करें, इसको इधर भेज दें, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 माइनस 0.5 इज इक्वल टू, ये है माइनस 1 × t का मतलब माइनस टी हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी माइनस में 0.25, राइट, इज इक्वल टू माइनस टी। अब देखिए माइनस से माइनस गया, टी की वैल्यू आ गई कितनी 0.25 आवर। अब आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है, सर आवर में ही क्यों आएगा? बहुत सिंपल है, क्योंकि इससे पहले जो उसने हाफ लाइफ दिया वो भी किस में दिया है? आवर में। यानी कि हमारा आंसर क्या है? 0.25 आवर। ऑप्शन देख ले कौन सा सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, डी गलत है। और मैक्सिमम लोग जो जल्दी में होते हैं वो फटाफट देखेंगे ये इसका आधा हो रहा है और उसको फटाफट 1 आवर टिक करके आ जाएंगे, उनका गलत है। 1 आवर टाइम कहाँ से कहाँ तक के लिए लगेगा? 2 मोलर से 1 मोलर कंसंट्रेशन लाने के लिए 1 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए, तो एक सोल्यूशन आपको मिल गया, आइए सेकेंड डिस्कस करते हैं। वापस से वही क्वेश्चन है क्या ये? हाँ ठीक है, ये था हमारा सेकेंड चैलेंज क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस गायब हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्शन हमें दिया गया है 2A गोज टू प्रोडक्ट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है? जीरो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। और देखिए क्या दिया है, टी 50% इज गिवेन 120 सेकेंड, यानी कि हाफ लाइफ दिया है दैट इज 120 सेकेंड्स, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इज एनॉट इज 2 मोलर, कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमें के रिएक्शन कैलकुलेट करना है, या आप सिंपली के भी लिख ले तो कोई इशू नहीं है, हमें ये कैलकुलेट करना है। हमें ए नॉट की वैल्यू भी दिया गया दैट इज 2 मोलर, राइट। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। अब अपने क्वेश्चन में देखिए क्या डेटा दिया गया है, टी 50% के बारे में कमेंट किया गया है, हम इसी को यूज करते हैं। बताइए हाफ लाइफ का फॉर्मूला, वेरी गुड, ए नॉट अपॉन 2K, ए नॉट की वैल्यू टी 50% पता है, लिख लीजिए 120, ए नॉट भी दिया आपको 2 मोलर अपॉन 2K, 2 से 2 कैंसल, आप इसको अपोजिट रिवर्स कर दें। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये 1K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 120। आप इतना तो कर ही सकते, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर ले या फिर इनको रिवर्स करके करें, वैल्यू यही आएगी, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 120, इतना आ गया ना। अब यहीं पे आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको कल बहुत ही स्ट्रेस देके एक बात बताई थी कि यहाँ से जो K की वैल्यू आती है दैट K इज फॉर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये बात और है कि रिएक्शन के लिए भी सेम आती है अगर कोफिशियंट नहीं है तब। पहले तो आप इसको सॉल्व कर लें, 1 अपॉन 120, आई थिंक कितना आएगा देखिए, हाँ 1 / 120 दैट इज गोइंग टू 0.008, यानी कि 8.3 × इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8.3 × 10⁻³। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट आएगी मोलर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब आप देख लें ये वैल्यू आ गई किसकी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट के साथ क्या है, कोफिशियंट है, तो यही रिएक्शन का कॉन्स्टेंट नहीं होगा। एकदम ध्यान से, मैंने कल भी स्ट्रेस करके ये चीज़ बताई थी, अगर आपको रेट कॉन्स्टेंट निकालना है रिएक्शन के लिए और आपके रिएक्शन में कोई कोफिशियंट नहीं दिया है तो आपकी जो वैल्यू आती है के की वही आंसर हो जाता है, जबकि अगर कोफिशियंट के साथ है
तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एक रिलेशन बताया गया है, दैट इज के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाई के रिएक्शन, यानी कि रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। आप बताइए के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अभी निकाले थे हम लोग कितना आया था, 8.3 इंटू बार लगा लें 10^-3। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट बताइए कितना है, 2। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 इंटू के रिएक्शन, या सिर्फ के लिख ले, क्योंकि मुझे सिर्फ ये के चाहिए तो मुझे 2 को इधर भेजना होगा। तो बताइए क्या आ जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी 8.3 इंटू 10^-3 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 2 4 8, 2 1 2 2 5 10, 4.15 इंटू 10^-3 यूनिट वही रहेगी, मोलर सेकेंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बात, ये वैल्यू किसकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये जो आया था ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट ए। ये रिएक्टेंट ए का रेट कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर ये रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता। कोई पूछ ले क्यों नहीं हो सकता, तो सिंपल सा जवाब है, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है। अगर कोफिशियंट नहीं होता तो यही वैल्यू आपकी क्या हो जाती, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन भी हो जाती। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 4.15। इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, आपके पीडीएफ में ऑप्शन दिए गए थे, आई थिंक ये ऑप्शन नंबर डी है, आप एक बार चेक कर लें। आपके ऑप्शंस में ध्यान रहे ये वैल्यू भी दिया रहेगा, जहां आपने इसको फोकस नहीं किया कोफिशियंट को, तो आपका गेम हो जाएगा, फटाफट इसी को टिक करके आ जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए, ये तो थी चैलेंज क्वेश्चंस की बातें जो कि फिनिश हो गई, राइट। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम आपको जीरो ऑर्डर की कुछ चीज़ें रिकैप्चुलेट करा दें। तो देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी थी, कि जो ऑर्डर की वैल्यू आएगी वो हमेशा कितनी आएगी, जीरो, और उसकी जो यूनिट आएगी दैट विल बी मोलर सेकेंड इनवर्स, या फिर अब ये टाइम है ना, अगर मिनट में दिया रहेगा तो मोलर मिनट इनवर्स हो जाएगा, आवर में दिया रहेगा तो मोलर आवर इनवर्स हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमने देखी थी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वो क्या होता है, किसी भी टाइम टी पे बचे हुए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दैट इज एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी के इक्वल आएगा। फिर हमने देखा था हाफ लाइफ, टी 50% या टी हाफ, इसकी वैल्यू कितनी आती है, वेरी गुड, ए नॉट अपॉन 2k। फिर हमने देखा था टी कंप्लीशन, दैट इज टी 100%, किसी भी रिएक्शन को पूरी तरह कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज ए नॉट अपॉन के, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 2 × t 50%। तो ये कुछ वैल्यूज थी जो हमने पिछले क्लास सीखा था, ये आपको रिकैप्चुलेट हमने करा दिया। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने आपको कहा था कि अगर आपसे याद रह जाए तो बढ़िया है, दैट इज नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू 0.693। ये वैल्यू किसकी है, नेचुरल लॉग 2 की है, जबकि अगर हम लॉग 2 बेस 10 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.3 हम लेके चलते हैं। एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखना है, हम 2.303 इंटू 0.3 करें तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, 3.9096 डेसिमल, सॉरी 1 2 3 4 डेसिमल यहाँ रहेगा, यानी कि मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 0.6909। ये देखिए कितना है, 0.693 और ये कितना है, 0.6909। हम इनको भी इक्वल ही लेके चलेंगे, हम इनको ऑलमोस्ट इक्वल मान के चलते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर क्यों, बहुत सिंपल सा, क्योंकि ये जो लॉग 2 की वैल्यू हम लेके चलते हैं ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं हम, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, थोड़ी सी अप्रॉक्स। ये देखिए, ये भी 0.69 है, ये भी 0.69 है, ये वाली पार्ट बस यहाँ पर
अलग है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, जबकि यहाँ पे ये 3 है। तो अब थोड़ी सी वेरिएशन है, आप उसको इक्वल ही मानकर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से, या तो आप नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू याद रखेंगे 0.693, सिंपल है, या फिर अगर नहीं याद रखते हैं तो आप ये याद रखेंगे कि 2.303 × 0.3 जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 0.6909, और उसको हम कितना लिखा करेंगे, 0.693 लिखा करेंगे, याद रखेंगे। हाँ, और ग्राफ वगैरह तो आपको याद ही हो गया था। एक ग्राफ मुझे और रिकैप्चुलेट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप भूल गए हों। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e^x, एक्सपोनेंशियल ग्राफ का नेचर क्या होता है, हाँ याद रहेगा, ठीक है। तो और किसी चीज़ की फ़िलहाल मुझे तो नहीं लगता ज़रूरत है, ये तो आपको पता ही है कि नेचुरल लॉग 2 लिखिए, या कोई भी नेचुरल लॉग की वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए x ही ले लीजिए। अगर मुझे इसको लॉग 10 बनाना है तो मुझे क्या लिखना होगा, पहले 2.303 फिर लॉग x बेस 10, यानी कि जब भी नेचुरल लॉग को हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे मुझे याद रखना है कि 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल है। चलिए, मुझे लगता है अगर आपको इतनी सारी चीज़ें पता हैं तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तैयार हैं। तो हेडिंग डाल दें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कल हमने कहा था कि थोड़ा सा आपका कैलकुलेशंस लेंदी हो सकते हैं, लेकिन सीख लीजिएगा आगे हम यूज करेंगे। कुछ यही चीज़ इस बार भी हम कहेंगे, आपको रटने की ज़रूरत कम से कम है, आप रटने के पीछे ना भागें, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई तब तो फिर कोई इशू नहीं है, और अगर समझ में नहीं आई तब तो फिर इशू ही इशू है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है पहले आप देख ले। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वही होंगी जहाँ पर रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेरी गुड, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। कैसे, लिनियरली वेरी करता है, क्योंकि पावर 1 है, तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो बताइए रेट कितना होगा, रेट भी डबल होगा। वही अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करते थे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदलने के बावजूद भी रेट बदल नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि उसका पावर 0 होने की वजह से वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। इट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कॉन्स्टेंट बनता था, क्योंकि रेट हमेशा कॉन्स्टेंट होती थी, जबकि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो वो ग्राफ वैसा नहीं बनेगा। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं बनेगा। अब मान लीजिए मैं कोई एक रिएक्शन लिखूं जनरल, ए गोज टू पी, ठीक है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मैंने कह दिया, तो आप क्या लिखेंगे, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स, ये लिखते हैं हम लोग रेट लॉ, क्योंकि इसने कहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं एक्स की जगह पर क्या लिख दूंगा, 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 1 रहेगा। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू के पावर 1, लिखने का कोई मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, बोले ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इनका ग्राफ देख लें आप, ग्राफ हम बनाएंगे रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। आप देखिए रेट को हम कहां लिखेंगे, वाई एक्सिस पे, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम, और ये देखिए कहाँ है हमारा, x एक्सिस पे, तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स, बस और कुछ तो बचा नहीं है। स्लोप अगर कोई पूछ ले तो m की वैल्यू किसके इक्वल है, k के, तो इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, k के इक्वल होगा। अब तो ये y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, अपवर्ड की तरफ जाएगा कि डाउनवर्ड की तरफ, अपवर्ड की तरफ जाएगा, तो बस ये बन जाएगा आपका ग्राफ। ध्यान रहे, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में ये ग्राफ कैसी बनी थी, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्यों, क्योंकि वहां पर रेट कांस्टेंट था, यहां रेट कांस्टेंट नहीं है, क्लियर है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, दैट इज
कंसंट्रेशन ऑफ ए और रेट के बीच का जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से। इसको आप थोड़ा सा यहाँ कर लेंगे ना, ग्राफ सही दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, रिएक्शन के डेफिनेशन वगैरह वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप लिख लेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, आप देख लेंगे। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हाँ, किसको हम डिफाइन करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ को डिफाइन करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिफाइन करने के पहले तो रेट लॉ लिख लें हम। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ लिखें तो हम क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू द पावर वन, यानी कि सिंपल सा ए लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं रिएक्शन लिखूं ए गोज टू पी, तो बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर ए नॉट होगा, जिसको हम ए भी चाहें तो लिख सकते हैं। फिर टाइम टी पर कंसंट्रेशन कितना बचेगा, दैट इज ए टी। या फिर अगर हम बुक की लैंग्वेज की बात करें तो वो क्या लिखता है, ए माइनस एक्स लिखता है। ए बात समझ में आ गई? टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन को हम किसे लिखते हैं, ए नॉट से, जबकि हो सकता है बुक में क्या लिखा हो, ए। वही पे टाइम इज टी इज इक्वल टू टी पे मैंने लिखा कि कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी, यानी कि ए टी, और वो क्या लिखता है, ए माइनस एक्स। इसका मतलब रिएक्टेंट कुछ समय के बाद इतना कंज्यूम हो चुका है और कितना बचा है, ए माइनस एक्स के इक्वल बचा है। अब देखिए ये चीज यहां लिखा गया है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ए नॉट, टाइम टी इक्वल टू टी पे ए माइनस एक्स। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें एट टाइम टी तो फिर से वही लिखना होगा आपको, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए टी इज इक्वल टू के इंटू ए टी। ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि ये रेट लॉ से आया है और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से आया है। आप दोनों को इक्वल करके दिखा लें, यानी कि अभी ये जो वैल्यू आपने लिखी है, हाँ, ये जो रेट लॉ है इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दें और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि ए रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो सिंपली ऐसे आएगा, आएगा ना। ये है इक्वेशन नंबर मान लीजिए टू। देखिए ये भी रेट की वैल्यू है, ये भी रेट की वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर हम दोनों को इक्वल कर दें तो मुझे देखिए क्या मिल जाएगा, देन वी विल गेट रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर टाइम टी पे बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए टी, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ, बताइए टाइम टी पे कंसंट्रेशन हम कितना लेंगे, ए टी रेस्ट टू द पावर वन, जिसको हम चाहें तो हटा दें, इसको सिंपली आप हटा ही दें। चलिए इसको थोड़ा सा हम अरेंज अगर कर लें, इसको इधर भेज दें तो इधर क्या बचेगा, माइनस डी ए टी, और इधर हो जाएगा आई थिंक के ए टी डी टी, यही होगा ना। ठीक है, अब एक काम और कर लें आप, इस ए टी को इधर ले आए, ये ए टी वाले टर्म्स एक साथ हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस डी अपॉन, ठीक है, माइनस डी ए टी अपॉन ए टी। एक तो ये हो गया, दूसरा ये क्या बचेगा यहाँ पर, के डी टी। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने वेरिएबल्स को एक तरफ करने की कोशिश की है, यहाँ पे ए टी था तो इस ए टी को इधर उठा के ले आए ताकि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए, और डी टी को उधर रख दिया मैंने, ठीक है। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, अब कई बार इंटीग्रेशन में हम माइनस को उधर भेज देते इधर भेज देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिधर भी रख लें। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते ही पहले हमें लिमिट डिफाइन करना पड़ेगा। ये देखिए ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, रिस्पेक्ट में आपको देखना है। आप कहेंगे सर ये ए टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कैसे पता चलता है, जो डी के बाद हो, जैसे कि मैं अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखूं और आपसे पूछ ले कोई ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट हो रहा है। वैसे ही आप देखिए डी के बाद क्या है, ये ए टी,
यानी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो एटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। वहीं अगर आपसे यहाँ पूछा जाए तो ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ये टाइम टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। डी के बाद वाला जो टर्म है वो डिफाइन करता है किसके रिस्पेक्ट में, एटी के रिस्पेक्ट में ना। एटी क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन। अगर हम टाइम टी इक्वल टू जीरो पे बात करें तो कंसंट्रेशन कितना होता है, ए नॉट। टाइम टी इक्वल टू टी पे अगर हम बात करें तो ए टी। एक चीज देखिए, टाइम टी इक्वल टू जीरो और टाइम टी इक्वल टू टी पे, तो बस हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते वक्त पहले आप एक चीज का ध्यान रखिए, माइनस को बाहर निकाल दें, तो आप इसको एक बार अच्छे से लिख ही लें, ए नॉट ए टी एंड हियर इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए टी अपॉन ए टी। एक चीज दूसरी आप इसको देख लें, इसमें से के बाहर आ जाएगा, दिस विल बी जीरो टू टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इतना लिख सकते हैं। चलिए अगर ये हो गया आपका तो आप यहाँ देख लें। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, ए टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसका वेरिएबल क्या है, वन अपॉन ए टी है। यहाँ ऊपर वन लिख सकते हैं हम और नीचे ए टी। आपको याद होगा मैंने कल बताया था, वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करें तो किसके इक्वल आता है, नेचुरल लॉग एक्स के इक्वल आएगा। हाँ किसके इक्वल आएगा, लॉग एक्स या नेचुरल लॉग एक्स के इक्वल आता है, वन अपॉन एक्स का। आप हम इसी को कंपेरिजन अगर करें तो आप देखेंगे ये वन अपॉन ए टी है और ए टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पहले बात तो माइनस होता, आप माइनस लगा ले, फिर इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा नेचुरल लॉग किसके, ए टी के इक्वल आएगा। ठीक है, एक्स होता तो लॉग एक्स लिख लेते, क्योंकि यहाँ पे ए टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम यहाँ भी ए टी लिखेंगे। लिमिट्स लगाइए, ए नॉट से लेके ए टी तक इक्वल्स, के को आप बाहर ही रखेंगे। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या आएगा, हाँ सिंपल टी आएगा, लिमिट लगा लें जीरो से लेके टी तक, इतना लिख सकते हैं। चलिए अगर आप इतना लिख सकते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, माइनस को ऐसे जाने दें। यहाँ पर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, एक बार अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, एल एन ए टी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो एल एन ए नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के। यहाँ पर रखेंगे तो एक बार टी आएगा माइनस दूसरी बार जीरो। ठीक है, आप उनको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये हो गया माइनस, ये देखिए क्या कह सकते हैं हम, नेचुरल लॉग है ना, तो आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी हमने सिखा रखी है, लॉग एम माइनस एन, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम बाई एन, आपको ऐसे सिखाया गया होगा, लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। वहीं पर अगर हम लॉग एम इंटू एन को डिफाइन करें तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आती है, लॉग एम प्लस लॉग एन के इक्वल आती है। ठीक है, ये चीज़ तो याद ही होगी आपको। चलिए अगर आपको ये याद है तो देखिए ये क्या है, लॉग ए टी माइनस लॉग ए नॉट, तो लॉग एम माइनस लॉग एन की तरह दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम बाई एन, या फिर इस माइनस को आप अंदर भेज दें। अगर आप अंदर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। इसको रफ करते लाइन नया लिखते हैं, तो मुझे मिलेगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट एंड दैट इज इक्वल टू, ये देखिए टी माइनस जीरो टी होगा, टी इंटू के की वैल्यू के टी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, के टी लिख सकते हैं। चलिए अगर आप इतना लिख सकते हैं तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले, प्लस वाले को इधर लिख लें और माइनस वाले को बाद में, दैट इज इक्वल टू के टी। अब आप देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम बाई एन, तो मैंने लिख लिया लॉग एम ए नॉट बाई एन दैट इज ए टी इज इक्वल टू के टी। ये वैल्यू किस में है, नेचुरल लॉग में है, क्योंकि मुझे
अपने लॉग बेस 10 में सॉल्व करना आसान होता है, अगर मुझे उसमें कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लॉग बेस 10, ये तो वैसे रहेगा a नॉट अपॉन 80। आप मुझे बताएं नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में बनाने के लिए क्या करना होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 2.303 इज इक्वल टू KT। आपकी ये वैल्यू मिल जाती है इंटीग्रेटेड रेट लॉग, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉग। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप K के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और T के लिए भी। अगर आप K के लिए डिफाइन करें तो आप T को इधर भेज देंगे तो आपको K की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए तो आपको K की वैल्यू मिल जाएगी, T इधर भेजेंगे तो अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 2.303 अपॉन 2 लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80। या फिर अगर आपको T के टर्म्स में लिखना है तो आप T को यहीं रहने दें, K को इधर भेज दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80। कर सकते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ का टर्म्स, कैसे डिराइव किए आपने सीख लिया। अब हम आते हैं पीडीएफ पे, तो देखिए यहां लिखा गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये देखिए एटी वाले को इधर ला के रख लिया गया है और डीटी को उधर भेजा गया है। एक चीज आप ध्यान देंगे तो इसमें ये माइनस में उस साइड रख के सॉल्व किया गया है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, वो कोई कंपलसरी नहीं है। देखिए सब इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी दैट इज लॉग ए नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू KT। क्या यही चीज हम लोग को भी मिला है, देखिए मैंने इरेज कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, KT के लिए निकालना था ना, K को इधर भेज देंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी हमें। आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो लॉग लॉग लिखा हुआ है ना, जहां पे कुछ भी नहीं है लॉग के साथ, ये सब आपके नेचुरल लॉग है, बेहतर होगा आप इनको क्या लिख लें, LN लिख लिया करें, क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो अगर आपको इनमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है कि लॉग नेचुरल वाला है या बेस 10 वाला, तो आप इसको लॉग ना लिख के आप इसको क्या लिखेंगे, LN, इसको भी क्या लिख लेंगे LN, ये भी हो जाएगा LN, और क्या कर लेंगे, हाँ ये भी हो जाएगा आपका LN, ये भी हो जाएगा आपका LN। अब क्योंकि आप देखिए, आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ लॉग लॉग लिखा गया था, यहाँ देखिए लॉग बेस 10 लिखा गया है, पता नहीं ये पार्ट विजिबल है या नहीं, अब देखिए अब दिख रहा होगा, देखिए ये सब लॉग लॉग लिखा है जबकि यहाँ पर लॉग बेस 10 लिखा है, तो ये नेचुरल लॉग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर आपको डाउट होता है तो आप सिंपल स्मॉल एल और एन लिखा करें, उससे आपको क्लियर रहेगा नेचुरल लॉग है। अब देखिए आप यहाँ से सॉल्व किया था, वो क्या मिल गया, के की वैल्यू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80। आप इसको चाहें तो मैच कर लें, देखिए के की वैल्यू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80, ये चीज यहाँ पे है, हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 2 और ऊपर वाले को हमने माना है इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही आप देखें ये भी K की वैल्यू क्या है, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, भी आप इसको लिख सकते हैं। अब ये ए और ए माइनस एक्स कहाँ से आ गए, ये आपको समझना जरूरी है। देखिए हमने कहा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट को हम लेके चलते हैं, जबकि बुक उसको क्या लेके चलता है, ए। फिर हमने कहा था कि किसी भी टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन हम लेते हैं उसको क्या लिखते हैं, ए टी। ये क्या लिखता है उसको, ए माइनस एक्स लिखता है ना। तो देखिए यहाँ पे ए नॉट है, तो ए नॉट जब हम क्या लिख सकते हैं, ए, और ए टी की जब क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स। तो आपको ये भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये वाला जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको देखने को मिल रहा है, ये बुक में लिखा हुआ मिलता है। आपको जरूरी नहीं कि आप यही याद रखें या ये याद रखें, आपको तरीका पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी तो आप किसी भी से कैलकुलेट कर ले। देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है, वो क्या है मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखिए
आपको एक वैल्यू मिली थी ना, उसको छोड़ दीजिए, या फिर आप उसी से कर लें, या फिर हम आपको ऐसे बता देते हैं। देखिए अभी आपने देखा नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए टी की वैल्यू के टी के इक्वल आती है, ये अभी हम लोग करके देखे थे। अब मान लीजिए मुझे इसको उल्टा करना है, ठीक है, मैं इसको ए टी अपॉन ए नॉट करना चाहता हूँ, तो बताइए इसके पावर क्या करना होगा, मुझे माइनस वन करना होगा। अगर मैं पावर माइनस वन करूँ तो यहाँ भी माइनस वन लगाना पड़ेगा, तभी तो माइनस वन और ये माइनस वन आएगा तो प्लस वन यानी इक्वल ही रहेगा। या फिर अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप बस एक चीज़ याद रखा करें, अगर नेचुरल लॉग के फ्रैक्शन को रिवर्स करना है तो सिंबल को उल्टा करते हैं, ये चीज़ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताए थे। तो अगर मुझे इसको ln ए टी अपॉन ए नॉट लिखना हो, मान लीजिए मुझे क्या करना है, इसको ln ए टी अपॉन ए नॉट लिखना हो तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ माइनस लगाना होगा, क्योंकि मैंने इसको रिवर्स किया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू के टी। अब मैं अगर इस माइनस को इधर भेज दूँ तो देखिए क्या मिलेगा, मुझे बच जाएगा ln ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, क्यों करा रहे हैं हम अभी आपको बताएंगे, क्लियर भी हो जाएगा। मुझे एक ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ के लिए मुझे इसको दिखाना ज़रूरी है। अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँ, एंटी लॉग का मतलब ये जो लॉग है ना इसको हटाना है मुझे, तो ये तो क्या बन जाएगा, ए टी अपॉन ए नॉट, इसका लॉग हट जाएगा तो ए टी अपॉन ए नॉट बन जाएगा। अब किसी भी नंबर का अगर आप एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, e के पावर माइनस के टी के इक्वल हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अगर ln 2 इज इक्वल टू k है और मुझे इसका एंटी लॉग लेना है तो ये तो गायब हो जाएगा, एंटी लॉग का मतलब लॉग ख़त्म, तो ये क्या बचेगा, 2। यहाँ तो लॉग था ही नहीं, जब लॉग नहीं था और उसका आप एंटी लॉग लेते हैं तो वैल्यू किसमें चली जाती है, e के पावर में, तो e के पावर में ये कितना है, k है, तो k e के पावर k के इक्वल होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, हो सकता है अगर आप मैथ्स के बच्चे हैं तो आप ये सीख रखे होंगे, और नहीं सीखते हैं या नहीं सीख रखे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको याद रखेंगे, कहीं नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, ठीक है। तो बताइए मुझे एक रिलेशन यहाँ से मिल गई बहुत इंपॉर्टेंट सी, दैट इज ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस के टी। तो इसको रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, बस हमने आपको ये चीज़ दिखाया कि कैसे आता है, क्यों दिखाया वो भी अभी पता चल जाएगा। आइए नेक्स्ट हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टाइम टी, हमें एक ग्राफ बनाना है किसके किसके बीच, रेट कांस्टेंट आर और टाइम टी के बीच एक ग्राफ बनाना है। तो देखिए अभी हमने देखा ए टी अपॉन ए नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आती है, ई के पावर माइनस के टी के। अगर मैं यहाँ से ए टी कैलकुलेट करना चाहूँ, हाँ, तो मुझे क्या करना होगा, देखिए अगर मुझे सिर्फ यहाँ से ए टी निकालना है तो मुझे ए नॉट को उधर भेजना पड़ेगा, ए नॉट उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद रखेंगे, ये हमेशा आपके काम आता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद है तो हमने जीरो ऑर्डर के लिए भी ए टी का फॉर्मूला बनाया था, कितना आया था, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये क्या बताता है, किसी भी टाइम टी पे आपसे पूछ लेगा कि रिएक्शन स्टार्ट होगी, उसकी रेट कांस्टेंट इतना है और इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, तो बताइए इतने टाइम के बाद आपके रिएक्टेंट के कितनी कंसंट्रेशन बची होगी, तो आप वहाँ पे ए टी के ही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे उसको। ए टी क्या बताता है, किसी भी टाइम टी पर रिएक्शन जो हो रही है उसकी रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन बची है, दैट इज ए टी। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीरो ऑर्डर में ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और वही अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ए टी इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। कर सकते हैं? तो चलिए, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद रखेंगे, इसलिए स्टार मार्क भी दिया गया है। अब देखिए हमें रिलेशन बनाना है किसमें, ए टी और टी में। तो रिलेशन हमें क्या मिला अभी, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। अब आप इसमें देखें कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, हाँ, एक तो ये वेरिएबल टाइम के साथ बदल रहा होगा, तो ये मेरा कंसंट्रेशन ए टी का एक्सिस हो गया। दूसरा ए नॉट क्या है,
इनिशियल कंसंट्रेशन, मैंने बार बार कहा था पिछले लेक्चर में कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट, क्योंकि एक बार आपने जितना रिएक्शन में डाल दिया वो डाल दिया, उसको बार बार आप बदल नहीं सकते, तो ये कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट, और क्या बचा हमारा टी, टाइम तो बदल रहा होगा ना, हाँ, तो यानी कि टाइम वेरिएबल है, मुझे इन्हीं के बीच ग्राफ बनाना है। तो आप देखिए ए टी कहाँ है मेरा, वाई एक्सिस पर, मैं इसको वाई लिख सकता हूँ। दूसरा ए नॉट क्या है, कोई एक कॉन्स्टेंट है, तो आप इसको चाहे तो के लिख ले, फिर ई हो गया ई टू दी पावर माइनस के टी, इस जगह माइनस के और टी की जगह पर हम क्या लिखेंगे एक्स। अभी आप देखें ये कुछ y इक्वल टू ई टू दी पावर x के ग्राफ के जैसा बनेगा, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, y इक्वल टू ई के पावर x तो ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, ये क्या है माइनस में आ रहा है, तो बताइए ये ग्राफ ऊपर जाएगा या ग्राफ नीचे चला जाएगा, हाँ ये ग्राफ नीचे जाता हुआ ऐसे जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये ग्राफ कभी भी इसको कट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये कभी भी किसी भी टाइम पर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, हाँ 90% तक हो जाती है, और हम मान लेते हैं कि प्रैक्टिकली इतना कंप्लीट हो गया, जबकि थ्योरेटिकली कभी भी कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी, और 90% हो सकती है, 99.9% हो सकती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती, ये चीज़ आपको याद रखना है, कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते थे कि जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है या घटती है, घटती है ना, तो ग्राफ जाहिर सी बात है नीचे जाएगा। अगर हम यही ग्राफ जो जीरो ऑर्डर के लिए बनाए थे, अगर हम उसको आपको याद कराना चाहें तो वो भी आप देख ले, जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या होती है बताइए, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, मैं इसी पे कौन सा कलर ले लूँ, रेड कलर लेके बनाता हूँ, देखिए ए टी वाई एक्सिस है तो यहाँ पे वाई, ए नॉट कोई कांस्टेंट है तो सी बांध लिया हमने, माइनस के को एम और टी को एक्स, ये ग्राफ कैसा बना, सी माइनस एम एक्स, सी का मतलब ओरिजिन को ऊपर से बनेगा, मान लीजिए ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे बनता है, ठीक है, माइनस एम है स्लोप नीचे होगी डाउनवर्ड की तरफ और स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो ग्राफ ऐसा बना था। ये ग्राफ किसके लिए है, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जबकि ये ग्राफ किसके लिए है, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप अगर ध्यान से देखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक फिक्स टाइम के बाद कंप्लीट हो जाती है, देखिए इस टाइम पे, ये जो भी टाइम होगा जिसको हम टी 100% बोलते हैं, इस टाइम पे आने के बाद फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप टी 100% डिफाइन नहीं कर सकते, ये ऐसे ही बस सब चलती चली जाएगी, यानी कि आप यहाँ से सिंपली ये भी कह सकते हैं टी 100% फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, अगर आप लिखना चाहें तो ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, इन्फिनिटी के इक्वल आएगी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। हाँ हम मान लेते हैं 90, 95, 80% होने के बाद हम उसको मान लेते हैं कि 100% हो गया, लेकिन एग्जैक्टली कभी भी वो कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर है इतना? तो अब तक आपको जो याद रखना है वो बस इतना सा है, पहला k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 a नॉट अपॉन ए टी, या फिर k इज इक्वल टू 2.303 को हटा दें हम सिर्फ लिख लें 1 अपॉन t। अगर आप 2.303 नहीं लिखते हैं तो किस में आएगा फिर, नेचुरल लॉग में, तो आप इसको लिख लेंगे ln a नॉट अपॉन ए टी। बोलिए ये चीज़ लिखी जा सकती है, इसमें किसी को डाउट है, नहीं है ना, तो चलिए नहीं है तो अब हम 50% कंप्लीशन कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, पहले एक बार देख लें कोई छुटा दिन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब हाँ टी 50%, तो हम लिख लें टी 50%, जिसको हम टी हाफ भी लिखते हैं कोई इशू नहीं है। फिर से वही रिएक्शन ए गोज टू पी, आप बताइए इनिशियल टाइम टी इक्वल टू जीरो पर कंसंट्रेशन ए नॉट, ठीक है, अगर हम टाइम टी इक्वल टू हाफ लाइफ यानी टी 50% पे कैलकुलेट करें तो बताइए क्या होगी, वो तो रहता ए टी ही है, लेकिन वो कितना होगा,
बताइए हाफ लाइफ क्या होती है? इट इज दैट टाइम ड्यूरेशन विच इज टेकन बाय द रिएक्शन टू मेक द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हाफ। जितना वो स्टार्टिंग में था, मान लीजिए मैंने 10 मोलर लिया था, तो उसको 5 मोलर होने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। यही बात हमने देखी थी, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा होने के लिए। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? ए नॉट, उसका आधा यानी कि 2। तो अब टाइम टी इक्वल टू 50% पर आप चाहें तो 80 भी लिख सकते हैं, और चाहें तो 80 की जगह पर ए नॉट अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? अगर दिक्कत है तो यहीं देख ले एक बार फिर से। टी 50% क्या कहता है? इट इज दैट टाइम ड्यूरेशन टेकन बाय द रिएक्शन टू मेक द इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू हाफ। जितना इनिशियल कंसंट्रेशन था उस कंसंट्रेशन को आधे लाने के लिए जितना टाइम लगेगा। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 6 मोलर होता तो टी 50% वो कितना होगा? 3 मोलर, यानी कि 6/2। उसी तरह अगर वो इनिशियली ए नॉट था तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए नॉट बाई 2 लिख सकते हैं। तो चलिए, अभी आपने एक फॉर्मूला देखा, टी इज इक्वल टू क्या था? दैट इज 1/k नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। अभी आपने इसी को देखा है, तो चलिए टी को हम क्या लिखेंगे? अब टी 50% 1/k, इसको ऐसे रहने दें, नेचुरल लॉग। बताइए ए नॉट को क्या लिखें? ए नॉट ही रहने दें आप। ए टी को क्या लिखेंगे? हाँ, ए टी की वैल्यू अभी आपने देखा, टाइम टी इक्वल टू 50% पे ए टी क्या होगा? ए नॉट का आधा, यानी कि ए नॉट बाई 2। अच्छा, ये अपॉन 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? टी 50% इज इक्वल टू 1/k नेचुरल लॉग, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो जगह 2 ए नॉट अपॉन ए नॉट। ये ए नॉट से ए नॉट चला गया, क्या बचा? ln 2। आप इसको थोड़ा सा और अरेंज करने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा टी 50% इज इक्वल टू 1/k, ये तो चला गया, ये क्या बचा? नेचुरल लॉग 2। क्या आपको, पहले आप इसको ऐसे ही लिख लें ln 2। तो आपको अब जो मुझे याद कराना है वो दैट इज टी 50% इज इक्वल टू ln 2/k। ये मिल गया आपको हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कितना होता है? दैट इज ln 2/k। आपको पता है ln 2 की वैल्यू मैंने कहा था, याद रखिएगा, कितना? 0.693/k। आप चाहें तो ऐसे भी लिख लें। एक चीज़ और आपको ये चीज़ समझना होगा कि क्या जरूरी है कि मैं ये ln वाले फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू आएगी? बिल्कुल नहीं। अब हम इसको दूसरे वाले से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए, जब आप दूसरे वाले के साथ सॉल्व करेंगे तो वहाँ से t का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? 2.303/k log बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी। फिर से ए टी की वैल्यू क्या होगी? ए नॉट अपॉन 2, और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा है। फिर ए नॉट गायब हो जाएंगे और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.303/k log बेस 10 और यहाँ क्या बचेगा? 2। अब मुझे एक बात बताएं आप, 2.303/k log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? 0.693 या हम 0.3 लेके चलते हैं? हाँ, एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन हम कितना लेके चलते हैं? 0.3। तो हम यहाँ पर 0.3 लिख सकते हैं क्या इसके जगह पर? आप देखिए, ये चीज़ आपको कहीं याद कराया था हमने? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, देखिए, कि अगर कहीं पे आपको 2.303 × 0.3 मिले तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली तो ये आएगा 6.909/k, लेकिन हम इसको कितना लिख सकते हैं? 0.693/k लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब देखिए टी 50% कितना आ गया? 0.693/k। ये देखिए वही आया क्या? 0.693/k। तब चाहे यहाँ से करें, यहाँ से आपको एग्जैक्ट मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको ln 2 की वैल्यू याद रखनी होगी, ठीक है। या फिर आप वहाँ से भी करेंगे तो आप उसको ऑलमोस्ट इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू यही आएगी। ये था टी 50% कैलकुलेट करना। बोलिए, कर सकते हैं? हाँ। तो अब आपको याद कौन सा रखना है? वैल्यू तो ढेर सारी होगी, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ ऐसे याद रखनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि एलन टू की वैल्यू आपको याद है 0.693 अपॉन के, तो फटाफट वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगी। आप मुझे बताएं अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए टी 50% लिखूं तो कितना आया था, दैट इज ए नॉट अपॉन 2k आया था ना। आप इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, क्या है वो देखिए। जब हम टी 50% फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालें तो इसमें कहीं भी ए नॉट नहीं है, यानी कि ए नॉट क्या है, मिसिंग। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि ये क्या कह रहा है, अगर फर्स्ट ऑर्डर की कोई रिएक्शन है तो उसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर की कोई भी रिएक्शन हो तो उसकी हाफ लाइफ उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। वो भी कैसे, डायरेक्टली। तो हमने वहाँ पे ग्राफ बनाए थे किसके किसके बीच, टी 50% और ए नॉट के बीच। तो वो ग्राफ कैसा बनाएगा, तो एक काम करते हैं ना, दोनों ग्राफ हम नए पेज बनाते हैं। टी 50% और ए नॉट के बीच का ग्राफ बनाए थे हम लोग। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाऊं तो टी 50% क्या है मेरा वाई एक्सिस, तो मैं यहाँ वाई लिख सकता हूँ। आप बताएं ये सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, तो ये वाई की वैल्यू क्या आ गई के, मतलब नया कांस्टेंट मैंने डिफाइन कर दिया। आप वाई इक्वल टू सी एम कुछ भी ले ले, पर ध्यान रहे कि वाई की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, एक कांस्टेंट लाइन का ग्राफ बनेगा, राइट, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये किसके लिए ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वहीं अगर मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद दिलाऊं तो देखिए टी 50% को हम क्या लिखेंगे, वाई, वन अपॉन टू ए टू के को हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप, यानी कि एम, और ए नॉट क्या हो जाएगा हमारा एक्स। तो देखिए ग्राफ किसके बीच बन गया, वाई इजक्ल टू एम एक्स का ग्राफ बनेगा, ए नॉट है ना, यानी कि ये ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ग्राफ किसके लिए है, दिस इज ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोनों में देखिए कितना अंतर है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यानी कि एकदम कांस्टेंट बनेगा, जबकि यहाँ पर एक ओरिजिन से पास होती हुई लाइन मिलेगी। क्लियर है, ये जीरो ऑर्डर के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आपको बस याद इतनी सी बात रखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कभी भी उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि वहीं अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ की बात करें तो वो पूरी तरह से इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो एक छोटा सा टूल था जो कि मैंने आपको बता दिया, आप याद भी रखेंगे उसको। देखिए ये सब वही कुछ सॉल्व करके आपको फाइनली क्या मिलेगा, टी 50% इज इक्वल टू ln2/k या 0.693/k। तो आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे। आप ठीक है, ये देखिए वहाँ से एक ग्राफ बनाया गया है टी 50% और ए नॉट के बीच, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी आपने आपको मैंने करके दिखा भी दिया, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ टी 100%। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं टी 100% मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए फिर से वही रिएक्ट सन ए गोज टू पी, बताइए टाइम टी इक्वल टू जीरो पर कंसंट्रेशन कितना होता है ए नॉट, जो कि बुक में ए लिखा रहेगा। टी इक्वल टू 100% पर यानी कि रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो बताइए अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई, होती नहीं है ये बात आपको पता है, बट फिर भी एक बार के लिए अगर हम मान लें कि हो गई, तो बताइए रिएक्टेंट बचा होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, जब रिएक्टेंट पूरा ख़त्म हो गया, रिएक्शन रुक गई, यानी कि इस केस में ए टी की वैल्यू क्या हो गई होगी, जीरो। ये बात आपको समझ में आ रही है, तो बस अगर आपको ये समझ में आता है तो आराम से फॉर्मूला लगा ले, टी इज इक्वल टू कोई भी लिख ले आप, चाहे तो लॉग 10 वाली लिख ले 2.303 अपॉन के, लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी। ए टी की वैल्यू बताइए कितना लिखेंगे इस बार हम, अच्छा अभी तो रिलेशन लिख रहे ना ए टी। अब टी को किससे रिप्लेस करें आप, टी 100% से, तो आपको क्या मिल जाएगा 2.303
अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी की जगह पे आप लिख देंगे जीरो, क्योंकि टाइम टी इंटरवल पे अगर आप देखें तो वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 100% कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए किसी भी नंबर का अगर आप जीरो से डिवाइड करें तो क्या होता है, इन्फिनिटी। ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, फिर ये वैल्यू भी क्या हो गई, इन्फिनिटी, यानी कि आपको टी 100% की वैल्यू क्या मिल गई, इन्फिनिटी। और वही तो हम कह रहे थे ग्राफ से भी, हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है। हाँ हम मान लें अलग बात है, लेकिन होती नहीं है, प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ आपको समझ में आ गई। ऐसे ही अब आपके माइंड में चल रहा होगा अगर हम नेचुरल लॉग लेके करते तो, आइए फटाफट आप वो भी देख लें। उसके लिए भी आप लिखते हैं टी 100% इज इक्वल टू 1 अपॉन के नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, ए टी की वैल्यू वहाँ भी जीरो, ये इन्फिनिटी, और ओवरऑल टी 100% की वैल्यू फिर से क्या मिलेगी आपको, इन्फिनिटी ही मिलेगी। यानी कि कुल मिला जुला के आप चाहें जितनी कोशिश कर लें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 100% कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट नहीं की जा सकती, क्योंकि वो इन्फिनिटी होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट होती ही नहीं है। लाइट चली गई, अब लग रहा थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। सो देखिए आपने एक चीज़ अच्छे से सीख ली कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी कैन नॉट कैलकुलेट 100% कंप्लीशन टाइम। क्यों? क्योंकि वो कितना आता है, दैट कम्स इनफाइनाइट। चलिए इतना क्लियर है। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा, क्या हम जीरो ऑर्डर के लिए, हाँ बिल्कुल, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट 100% कंप्लीशन टाइम टी 100% एंड दैट इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के। अब दूसरा सवाल, आखिर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंप्लीट हो जाता है तो? इसका सिंपल सा जवाब है कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पर जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन का अमाउंट चेंज करेंगे, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज होता जाता है। इतना क्लियर है एकदम? ओके चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये ग्राफ कंप्लीट करने हैं। ये रिएक्शन से निकाली गई इक्वेशन है, इक्वेशंस आपको याद ही हो गए होंगे, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, इक्वेशन आपको दी गई है, आपको इसी इक्वेशन के हेल्प से दो ग्राफ्स कंप्लीट करने हैं। जरूरत पड़ने पे आप इनको थोड़ा बहुत इंटरचेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं, हाँ ज़रूरत पड़ेगी। जब आप सेकेंड ग्राफ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इंटरचेंज करके ग्राफ कंप्लीट करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। चलिए दो होमवर्क हो गया, दिस इज योर थर्ड होमवर्क। बहुत ही आसान सा होमवर्क है, आप एक बार ट्राई करेंगे हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसको देख लेंगे। इसके लिए आपको एक वैल्यू दी गई है लॉग बेस 10 6.2 की, कितनी लेनी है आपको, 0.8 लेनी है, ठीक है? वो आपको बीच में सॉल्व करते वक्त ये वैल्यू आपको मिलेगी, वहाँ पर आप इसको यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, के की वैल्यू जो कि इतनी आएगी, या फिर साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो आप इसको एक बार ट्राई करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कब क्या पूछा जा रहा है और जो पूछा जा रहा है उसको कैसे हमें डील करना है, इसके लिए हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना ज़रूरी है। तो देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा कहते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा था हमने इसको, क्लियर है? चलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना परसेंट हमारा जो भी रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट होता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। मेरे पास वही पेटेंट रिएक्शन है, ए गोज टू बी,
ठीक है। अब मान लीजिए टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी इनिशियल, जिसको हम ए नॉट लिखते हैं, और अगर हम बुक की माने तो वो क्या लिखता है, उसको ए लिखता है, ठीक है। वहीं पे अगर टाइम टी इक्वल टू टी पर बात करें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, तो हम इसको ए टी लिखते हैं, और वो कहता है कि इसमें से एक्स पार्ट डिसोसिएट हो गया तो कितना बचा ए माइनस एक्स। सिंपली ऐसा है, आपके पास यहाँ 100 रुपये थे, वो कहता है कुछ देर में आपने 20 रुपये खर्च कर दिए तो कितना बचता है 80 रुपये। आप क्या करते हैं 100 माइनस 20 करते हैं ना, वही मैंने किया, ए जितना खर्च हो गया एक्स, सो ए माइनस एक्स। अब आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं कंसंट्रेशन कैलकुलेट करूं एट एनी टाइम टी, तो मुझे क्या मिलता है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी, राइट। अगर मैं अल्फा कैलकुलेट करना चाहूं, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये क्या बनता है मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने टूट गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स कितने थे स्टार्टिंग में, टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स। आप बताएं अगर हम बात करें कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो अगर हम बुक की लैंग्वेज देखें तो सिंपल सा कहता है कि एक्स डिसोसिएट हो गए, जबकि हम तो अपने लैंग्वेज के साथ डील करते हैं, तो ये मेरा लैंग्वेज क्या कहता है, मेरा लैंग्वेज ये कहता है टाइम टी इक्वल टू जीरो पर मेरी कंसंट्रेशन मैंने ली थी ए नॉट, टाइम टी इक्वल टू टी पर ये हो गया ए टी, तो बताइए डिसोसिएशन कितना हो गया। हाँ तो हम डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम खर्च कैलकुलेट करते हैं क्या होगा, कितना था ए नॉट, कितना बचा 80। बात समझ में आ रही है, आप ऐसे समझ लीजिए आप 100 रुपये लेके गए और घर आए तो 80 रुपये बचे थे, तो आपसे पूछा गया कितने पैसे आपने खर्च किए, तब क्या कहेंगे 20 रुपये। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना लेके गए थे स्टार्टिंग में दैट इज ए नॉट माइनस जितना आपके पास बचा है दैट इज 80। कर सकते हैं, तो आइए तो मोल्स डिसोसिएटेड हम क्या लिखेंगे ए नॉट माइनस 80 अपॉन इनिशियल मोल्स कितने थे, ए नॉट होता है तो इसको लिख लेंगे ए नॉट, आप इसको लिख लें ए नॉट माइनस 80 की वैल्यू उठा के रख दें, 80 की वैल्यू क्या होती है ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी अपॉन ए नॉट। आप ध्यान से देखिए तो इसमें ए नॉट कॉमन है, हम ए नॉट को कॉमन कर लेते हैं, जैसे ही आप ए नॉट कॉमन करेंगे आपको क्या मिलेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt अपॉन, नीचे भी ए नॉट है आप देख ले एक बार, यहाँ से ए नॉट कॉमन करेंगे 1 बचेगा, यहाँ से ए नॉट बाहर चला गया क्या बचेगी के पावर माइनस के टी अपॉन ए नॉट, आप देखिए सॉरी ए नॉट कॉमन किया था ना, ए नॉट से ए नॉट कैंसल, क्या बचा 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस kt, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप बताएं ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी यही रहेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों, सिंपल सी बात है, आप इसमें जो वैल्यू रखे हैं 80 की दैट यू हैव यूज्ड ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, और ये वैल्यू किसके लिए वैलिड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाँ सर, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं अल्फा कैलकुलेट करूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फॉर्मूला तो वही बनता है मोल्स डिसोसिएटेड, यानी इनिशियली कितना रहा होगा उसमें भी ए नॉट, कितना बचा 80 अपॉन इनिशियली कितना था ए नॉट, इतना तो वही रहेगा, बस इसमें बदलेगा क्या, ये जो 80 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 80 की वैल्यू क्या होती है, वेरी गुड, ए नॉट माइनस के टी की इक्वल होती है, होती है ना, तो बस इसी को उठा के रख लें ए नॉट माइनस 80 की जगह पर आप ये रखें ए नॉट माइनस के टी अपॉन ए नॉट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ए नॉट सिंबल चेंज माइनस ए नॉट, ये माइनस है तो प्लस के टी अपॉन ए नॉट, ये देखिए ये ए नॉट तो अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, क्या बचेगा के टी अपॉन ए नॉट। आपको रटना नहीं है, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करते हैं,
मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। फिर आप कैसे डिसोसिएटेड निकाल लेंगे, जितना लिए थे स्टार्टिंग में माइनस जितना बचा है वो वैल्यू ऊपर, और नीचे स्टार्टिंग में जितना लिए थे वो वैल्यू, फिर आप सबकी वैल्यू पुट अप करते चले जाएंगे, आपको अल्फा की वैल्यू दोनों ही रिएक्शन के लिए, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो या फिर वो फर्स्ट ऑर्डर हो, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए अल्फा की वैल्यू आएगी 1 - e^-kT। सिमिलरली अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा कैलकुलेट करें तो ये क्या आता है, kT अपॉन a0 के इक्वल आता है। अब देखिए सिंस at इज इक्वल टू a0 e^-kT किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, देयरफोर आप क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। हाँ अब ये चीज आपको समझना होगा, मैंने कोई रिएक्शन स्टार्ट कराई तो इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने लिया a0, राइट, कुछ देर के बाद इसी कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही होगी और कितनी बची होगी at। अब वो ये पूछ रहा है अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गई है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, राइट। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं रिएक्शन लिखूं ए गोज टू बी और ये एक मोल डिसोसिएट होता है, कितना, एक मोल, तो बी क्या होगा, एक मोल बनेगा। हाँ ये जितना डिसोसिएट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लीजिए ये पूरा डिसोसिएट हो गया ए, तो बी क्या होगा, कंप्लीट बन जाएगा। अब बताइए अगर ए 5 मोल्स डिसोसिएट होता तो बी कितना बनेगा, 5 मोल्स ही बनेगा। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है, ये जो बी बन रहा है प्रोडक्ट वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए के डिसोसिएशन पे। ए जितना डिसोसिएट होगा बी उतना ही बनेगा। अब इसी का एक और पहलू होता है, सिंपल सा है, कोई पहलू कुछ खास नहीं है, बट फिर भी देख लें आप। अब मान लीजिए मैं लिख दूं ए गोज टू 4b और मैं कहूं कि ए हमारा 1 मोल ब्रेक होता है, 1 मोल डिसोसिएट होता है, तो बी कितना बनेगा। तो आप इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सर बी 1 मोल बनेगा, नहीं, इस बार जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो 4 मोल्स बनेगा। हाँ सिंपल सी बात है ना, लॉजिक देखिए, ये एक मोल है तो ये 4 मोल है, इनके बीच कैसा रिलेशन है, 4 टाइम्स का ना, इसीलिए जब ये एक मोल डिसोसिएट होगा तो ये 4 मोल बनेगा। अगर मैं कह दूं ये 5 मोल डिसोसिएट हुआ तो क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रोडक्ट कितना बनेगा, हाँ 20 मोल्स, नहीं, हाँ ठीक है 5 4 जा 20 मोल्स प्रोडक्ट बन जाएगा। उसी तरह से अगर मैं 6 मोल कहूँ तो 24 मोल्स। अब अगर मैं इसी को चेंज करके 3b कर दूँ और मैं कहूँ कि ए हमारा 2 मोल्स डिसोसिएट होता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये 3 है ना, ठीक है, तो 2 3 जा 6 मोल्स बनेगा, कर सकते हैं ना। चलिए क्योंकि अब आपको ये पता चल गया है तो आप देखें at का फॉर्मूला क्या बनता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, a0 e^-kT। उसी तरह अगर हम bt कैलकुलेट करें, bt क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट एनी टाइम t। ध्यान रहे हमारा रिएक्शन जो पैटर्न रिएक्शन वो कौन सा चल रहा है, a गोज टू b, यानी कि इसमें हम कोई कोफिशिएंट के साथ अभी डील नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 होगा तो 3 से करना पड़ेगा, वो हम देख लेंगे, फिलहाल तो हम समझते हैं सिर्फ। आप बताएं ये जो रिएक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना डिसोसिएट हुआ, और मुझे पता है कितना डिसोसिएट कैसे मिलता है, इनिशियली कितना था माइनस कितना बचा, सिंपल है, पहले कितना था a0, उसमें से कितना भी बचा है at, अगर हम उसको माइनस करें तो पता चल जाएगा कितना डिसोसिएट हुआ। सॉल्व करते हैं a0 - at की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, a0 e^-kT, ठीक है, आप चाहे तो इसको क्या कर लें, a0 अगर कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा 1 - e^-kT। दिस इज द रिलेशन फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू a0 ((-e^-kT)। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बस एक चीज़ समझा दी कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाकी हम तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसी रिलेशन को यूज करके सिर्फ हम अपने प्रोडक्ट्स को भी कब गेस करके कैलकुलेट कर लिया करेंगे। बस ध्यान ये रखना है
कि ये जितना डिसोसिएट होगा प्रोडक्ट उसी के हिसाब से बनेगा। अगर कोफिशियंट है तो मल्टीप्लाई में बनेगा, अगर नहीं है तो ये जितना मोल डिसोसिएट होगा प्रोडक्ट उतना ही मोल बनेगा। हाँ, परेशान ना हो, हमें पता है अभी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कोई नहीं, अभी क्वेश्चंस जब हम लेके करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। देखिए बी टी की वैल्यू आएगी ए नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। आइए, मेरे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, और कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, नहीं। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है ए गोज टू थ्री बी, ध्यान रहे क्या दिया है, ए गोज टू थ्री बी, यानी यहाँ पे कोफिशियंट है कितना, वो भी थ्री है। ठीक है, एक बात क्लियर होगी, अगर मेरा ए दो मोल डिसोसिएट होगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, छः मोल। अगर मेरा ए तीन मोल डिसोसिएट हुआ तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, नौ मोल, उसमें थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस दैट्स इट। यानी कि मेरा टारगेट ये नहीं है कि ये कितना बना ये निकालें, मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि ये कितना डिसोसिएट हुआ। अगर मुझे ये पता चल गया तो इसको तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए, तो ठीक है, अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि ए हमारा कितना डिसोसिएट हुआ तो हमें फिर बी कितना बना होगा कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, राइट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या किया करिए, आप टी 50% निकालने की कोशिश किया करेंगे। किसको, टी 50% को। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टी 50% जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है कि किसी भी हाफ लाइफ में आपका कंसंट्रेशन कितना कम हो गया होगा। तो आइए, आपको टी 50% का फॉर्मूला बताया गया, दैट इज नेचुरल लॉग 2/k, या आप ठीक है इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं 0.693/k, इतना पता है। तो आइए हम इसी को यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम टी 50% कैलकुलेट करना चाहें तो मुझे क्या मिलेगा, 0.693/k। k देखिए कितना है, k इज गिवेन 0.693 मिनट इनवर्स, कहाँ गया वो, ओके। तो देखिए फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, टी 50% इज इक्वल टू 0.693/k की वैल्यू भी 0.693 ही है, आप इनको कैंसिल कर दें, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1। अब देखना होगा यूनिट, ये किसमें दिया, मिनट इनवर्स में, तो टाइम कितना आ गया, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 60 सेकेंड्स, यानी कि वो ये कह रहा है कि 60 सेकेंड में, कितना 60 सेकेंड में जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रही होगी वो आधी हो जाएगी। देखिए यही दिया है क्या, 60 सेकेंड में आपको पता करना है कि कितना प्रोडक्ट बना। तो हमें 60 सेकेंड में ये पता चल गया कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रही होगी वो आधी हो गई होगी। पहले कितना था ये, 2 मोलर, एनॉट दिया है ना, इट इज गिवेन एनॉट इज इक्वल टू 2 मोलर। तो आप मुझे बताएं कि एटी कितना बन गया होगा, इसका आधा बना होगा क्योंकि हाफ लाइफ मिला था मुझे, तो 2 मोलर यानी कि 1 मोलर। आप मुझे यहाँ से बताएं कि कितना डिसोसिएट हुआ, अगर मुझे अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना हो तो कितना डिसोसिएट हो गया, 2 था, माइनस कितना बचा, 1 बचा है, माइनस कर ले, यानी कि 1 मोल डिसोसिएट हुआ है, कितना, 1 मोलर डिसोसिएट हुआ है। आप बताइए अगर ये 1 मोल डिसोसिएट हुआ तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, हाँ 3 मोलर प्रोडक्ट बनेगा। अब ये क्यों, क्योंकि इनके बीच कैसा रिलेशन है, 3 टाइम्स का है ना, ए गोज टू थ्री बी, इसके 1 मोल से इसका 3 मोल बनेगा। एक बार फिर से आपको करना क्या, आप चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपसे कह दें कि प्रोडक्ट बताइए कितना बना, तो आप पहले प्रोडक्ट के लिए ना परेशान हो, पहले जो डेटास दी गई हैं उस डेटा की हेल्प से आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करें, हाफ लाइफ कैलकुलेट करके पता कर लें कि हमारा कितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो गया है। अगर आपको एक बार ये मिल गया
तो फिर आप समझिए कि प्रोडक्ट आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने पहले ये कैलकुलेट किया हाफ लाइफ, और मुझे ये पता चला कि इतने टाइम में जो इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी उसका वो आधा बन जाता है, यानी कि अगर दो था तो एक बन गया, चार होता तो दो बनता। फिर मैंने जो बना उसको माइनस कर दिया किसमें से, इनिशियल में से, और मुझे मिल गया कि कितना डिसोसिएट हो गया। अब जितना डिसोसिएट हुआ उसी के रेशियो के हिसाब से आप अगर यहाँ कोफिशियंट है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट आपके लिए एक होमवर्क है, सेम लाइन पे क्वेश्चन है, बस वहाँ पे थ्री था यहाँ पर टू के साथ है, तो आप इसको एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन विजुअल था ना, एक मिनट हम देख ले। हाँ ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम टेकन फॉर एक्स परसेंट कंप्लीशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम एक्स परसेंट के लिए अगर कैलकुलेट करना चाहे, वैसे ये पूछा तो नहीं जाता है, बट हम इसलिए डिराइव करेंगे ताकि हमें एक रिलेशन आपको दिखाना है। वहाँ हमें ये सिखाना है आपको कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम टेकन होता है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, चाहे वो हाफ लाइफ हो, कंप्लीशन हो, या कोई भी चीज़ हो, चाहे वो 75% हो, 30% हो, 40% हो, तो उसको कैलकुलेट होने के लिए जो टाइम लगेगा वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ एक बार फिर से सुन लें, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है, या फिर कितना हो परसेंट कंप्लीट होने के लिए, 10% 20% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा, वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, अब हम उसी को यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक्स परसेंट कंप्लीशन के लिए टाइम कैलकुलेट करना है। कितने के लिए, एक्स परसेंट कंप्लीशन, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा मेरा, टी एक्स परसेंट, राइट। वही पेटेंट रिएक्शन लिखेंगे हम, ए गोज टू पी या बी, आप जो भी लिख लें, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माने टी इक्वल टू जीरो पर, वेरी गुड, ए नॉट बुक की माने तो ए, राइट। टाइम टी इक्वल टू एक्स परसेंट पर, ठीक है, टाइम टी इक्वल टू टी एक्स परसेंट। आप बताइए, ये तो पहले ए नॉट रहा होगा, माइनस, वो कह रहा है कि x परसेंट कंप्लीट हो गया तो वो तो खत्म हो गया, माइनस x परसेंट ऑफ किसका, जो इनिशियल कंसंट्रेशन रहा होगा, यानी कि a नॉट का। ये चीज आपको समझना होगा, एक बार फिर से देखिए, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, a नॉट a, t इक्वल टू जीरो पे यही होता है, t इक्वल टू x परसेंट पर हमें बताना कि अभी कितना बचा है, तो जितना लिए थे दैट इज a नॉट माइनस जितना हमारा कंप्लीट हो गया रिएक्शन, कितना कंप्लीट हुआ, एक्स परसेंट किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, तो मुझे यहाँ से ए टी की वैल्यू मिलेगी, ए नॉट माइनस एक्स परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 100 इंटू ए नॉट, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स ए नॉट अपॉन 100। आप इनकी एलसीएम ले लें, ये बन जाएगा 100, ये 100 ए नॉट माइनस एक्स ए नॉट अपॉन 100, यानी कि मुझे क्या मिल गया, 100 ए नॉट माइनस एक्स ए नॉट अपॉन 100, ये मिल गया। तो बस आइए अपनी इक्वेशन को यूज करते हैं, टी एक्स परसेंट फॉर्मूला क्या बनता है, अगर हम लॉग में लिखना चाहें तो 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 80, तो ए नॉट तो वही रखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, 80 की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, ये मिली है। आप 80 की वैल्यू यहाँ रखना की कोशिश करें, एक बार एक काम करते हैं, इसमें से ए नॉट कॉमन भी कर लें, चलिए यही कर लेंगे अब हम, तो ये हो जाएगा 100 ए नॉट माइनस एक्स ए नॉट अपॉन, ये अपॉन 100 यहाँ आएगा ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर लिख दे, हाँ चलिए इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लीजिए आप, 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा लॉग बेस 10, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 100 ए नॉट अपॉन, नीचे देखिए ए नॉट कॉमन है
आप ए नॉट को कॉमन कर ले, क्या बचेगा 100 माइनस एक्स। आप देखिए ये ए नॉट से ए नॉट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। ये एक जनरल वैल्यू मिल गई किसके लिए, x परसेंट कंप्लीशन के लिए। अब आप अलग अलग कंप्लीशन के लिए कैलकुलेट कर लो, उससे कोई इशू नहीं है। ये क्या है x परसेंट के लिए, हमें नहीं पता कितना परसेंट है, कोई भी x परसेंट के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली, वो क्या है देखिए, यहाँ पे कहीं भी ए नॉट का टर्म नहीं है। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बोल सकते हैं, दैट इज टाइम टेकन फॉर एनी परसेंट कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कितना हो परसेंट, कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है वो कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब आप चाहें तो यहाँ पर जो हमने ए नॉट वगैरह लेके सॉल्व किया है, आप यहाँ पर चाहें तो ए नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं बुक के हिसाब से, ए, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, तो ये ए होगा, ये ए होगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ में हमने ए के बेस पे किया है क्योंकि आपको वो भी पता होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे ए नॉट के बेस पे किया है, तो आप चाहे ए से करिए चाहे ए नॉट से करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको रिलेशन यही मिलेगा फाइनली कि टी परसेंट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है ए गोज टू बी, और मैंने कहा कि जब मैंने एक की इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर लिया था तो उसका 10% कंप्लीशन होने में मान लीजिए टाइम लगा मुझे कितना लेंगे एक्स लगा, ये मान लीजिए इतना टाइम लगा, और मैं ये कहूँ कि यही रिएक्शन मैं दोबारा से कराऊँगी ए गोज टू बी, और वहाँ पे मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को लिया है 10 मोलर, तो इसका 10% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप कहेंगे सर मुझे पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो टाइम टी परसेंट कंप्लीशन होता है वो कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, चाहे वो 2 मोलर हो चाहे 10 मोलर हो या 8 मोलर हो चाहे 20 मोलर हो, वो तो हमेशा वही रहेगा, यानी कि यहाँ जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ भी लगेगा। ये चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से कंक्लूड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन की 10% 20% या किसी भी फिक्स परसेंट कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगता है उसमें वो कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। तो ये सब कुछ सॉल्व करके आपको मिल जाएगा फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट अ सर्टेन परसेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, मतलब वो कुछ पे डिपेंड नहीं करता ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आइए नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है टी 75% कैलकुलेट करना है, वो भी इन द टर्म्स ऑफ टी 50%। मुझे टी 50% के टर्म्स में कैलकुलेट करना है किसको, टी 75% को। और तो ये टी 50% की फॉर्मूला क्या बनता है, ln 2 अपॉन के या फिर 0.693 अपॉन के, राइट। अब मैंने मेरे हिसाब से पीडीएफ में उस पर किया है लॉग बेस 10 वाले के साथ, अभी मैं आपको ln 2 के साथ करके दिखाता हूँ, राइट। चलिए हम दोनों ही करके दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है। पहले आप फॉर्मूला लिख लें, टी आप रिएक्शन लिखें, ए गोज टू बी, टी इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन ए नॉट, टी इज इक्वल टू कितना पे 75% पे ना, इनिशियल कंसंट्रेशन तो ए नॉट था, ये कितना हो जाएगा 80 क्योंकि टाइम टी पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये कितना होगा, सवाल ये है कि ये कितना होगा हमें देखना होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि कोई एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की जो कि 75% कंप्लीट हो गई है, तो कितना बचा होगा 25%,
तो 25% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए नॉट, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है 25/100 ऑफ ए नॉट। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये तो बन गया 4, ये वैल्यू आ गई ए नॉट अपॉन 4 की इक्वल। इतना कर सकते हैं। चलिए तो मुझे कैलकुलेट करना है टी 75%। अभी मैं नेचुरल लॉ के साथ अगर करूं तो मैं क्या लिखूंगा 1/k ln, राइट। ए नॉट अपॉन 80 होता है तो ए नॉट तो उतना ही रहेगा। बताइए 25% के केस में 80 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी कितना आया था, ये तो गायब हो गया। ए नॉट अपॉन 80 की वैल्यू आई है ए नॉट बाई फोर। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे ए नॉट बाई फोर, इसका अपॉन फोर कहाँ चला जाएगा ऊपर, ए नॉट से ए नॉट कैंसल, आपको क्या मिल गया 1/k ln 4। अच्छा ln 4 को हम कैसे लिख ले, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ। अब हम इस 2 को आगे भेज दें तो ये क्या बन जाएगा 2 × 1 यानी कि 2 × 1/k ln 2। ये होता है log m के पावर n है तो पावर आगे चला जाता है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई, टी 75% इज इक्वल टू 2 ln 2/k। आप मुझे बताएं ये वैल्यू किसकी है, हाँ दिस इज द वैल्यू ऑफ टी 50%, यानी कि आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा टी 50%। यही मुझे कैलकुलेट करना था, मुझे बताना था कि 75% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है वो 50% के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो कितने टाइम्स होता है, तो उसके 2 गुने के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी मुझे पता है, दूसरी बार हम करते हैं लॉग बेस 10 के साथ, इस बार आपको क्लैरिटी आ जाना चाहिए। करना क्या होता है, पहले आप एक पेटेंट रिएक्शन लिखा करें ए गोज टू पी या बी जो भी आप ले लें, फिर आप लिखिए टी इजल टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट होता है, फिर टाइम टी इजल टू इस पर 75% पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो टी 75% पर ये मुझे क्या बताता है, वो मुझे ये नहीं बताता कि कितना बचा, वो ये बताता है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो कितना बचा होगा, उसको तो हम पहले 80 से लिखते हैं, और वो कितना होगा, कितना बचा होगा स्टार्टिंग में कितना था ए नॉट माइनस कितना खत्म हो गया 75%, 75% ऑफ ए नॉट। अब चाहें तो थोड़ा सा ऐसे स्टेप वाइज कर लें, या फिर सिंपल सी बात है अगर 75% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा 25%। आप दोनों में से चाहें जिससे करें वैल्यू तो सेम आएगी, इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा ए नॉट माइनस 75/100 ऑफ ए नॉट, इसको सॉल्व करें ये तो 80 आएगी, 80 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए नॉट माइनस 75% है ना, तो इसको आई थिंक 3 और 4 25 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 3/4 ए नॉट। इसको थोड़ा सा और एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 a0 - 3 a0, और उसको आप सॉल्व करके देख लेंगे तो a0/4 आएगा, एलसीएम लेके करना आपको, यानी कि फिर से आपको 80 की वैल्यू क्या मिल गई a0/4। देखिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, टी 75%, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे 2.303/k log base 10 a0/80। आइए वैल्यूज रखते हैं 2.303/k log base 10। बताइए ए नॉट की वैल्यू ए नॉट ही है, 80 की वैल्यू ए नॉट अपॉन 4 है, अपॉन 4 को हम कहाँ भेज दें ऊपर, तो ये हो जाएगा 2.303/k log base 10, ये ऊपर जाएगा तो 4a0/a0, तो ए नॉट से ए नॉट तो चला गया, क्या बचा log 4, इसको और थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये हो जाएगा 2.303/k log base 10। आप बताएं ये जो 4 आ रहा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख लें हम 2 का स्क्वायर, ये पावर को आगे भेज दीजिए, ये हो जाएगा 2 × 2.303/k log base 10 और यहाँ होगा 2। आप मुझे बताएं ये वैल्यू किसकी है, ये पूरी वैल्यू किसकी होती है टी 50% की,
आप चाहें इसको डायरेक्ट बोलें या फिर आप इसको हम कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं। देखिए log 2 की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 0.3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 6.909, जबकि हम इसको नहीं 6.909 नहीं आएगा 0.6909, जिसको हम कितने के इक्वल लिखते हैं 0.693 के इक्वल लिखते हैं अपॉन के साथ। वो वैल्यू किसके इक्वल होते हैं t50%, यानी कि हम इसको सिंपल सा 2 × t50% भी लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं। इस बेस पे आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है, आप बिल्कुल आराम से ट्राई करेंगे। एक आपको कैलकुलेट करना है t87.5%, ठीक है। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 × t50% के इक्वल आनी चाहिए। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और फिर आपके पास फर्स्ट चैलेंज क्वेश्चन, यानी कि इस बार भी लग रहा है दो चैलेंज क्वेश्चन मिलेंगे। आइए, तो ये चैलेंज क्वेश्चन है, एक बात ध्यान रहे इसमें आपकी वैल्यू थोड़ी बहुत आगे पीछे मिलेगी डेसिमल में, तो आप उसको अपने ऑप्शंस के आसपास राउंड अप करके लिख लेंगे। हाँ, हो सकता है आपको एग्जैक्ट आंसर इसमें से कोई मैच ना करे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आसपास उसके होगी उसी को उसको मैच करा के सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आप इसको करेंगे अगले लेक्चर, हम पहले इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आप जाइए नहीं, और भी क्वेश्चंस करने हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 100 मिनट्स। कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 75% कंप्लीट होता है कितने टाइम्स में, 100 मिनट में। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन, और मुझे t 50% कैलकुलेट करना है। तो बस अभी हमने सीखा था t 75% किसके इक्वल होता है, 2 × t 50% के इक्वल होता है, राइट। तो देखिए t 75% आपको पता है कितना, 100, 2 × t 50% मुझे निकालना है। आप इस 2 को इधर भेज दे, डिवाइड हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 मिनट इज इक्वल टू t 50%, यानी कि t 50% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 मिनट। हाँ, आप सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 50 मिनट। इसी लाइन पे आपको होमवर्क है और ये आपका सेकेंड चैलेंज, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे एक टर्म लिखा गया, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, आपको हो सकता है इसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ जाए, तो आप इसको एक बार ट्राई करें। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको कितना परसेंट डिसोसिएट कराया गया होगा कि 10% बचा, यानी कि ये आपको ये नहीं कह रहा है कि 10% कंप्लीशन है, ये कह रहा है कि 10% बचा है, यानी कि इसमें आपको पता है कि 90% कंप्लीट हो चुका होगा रिएक्शन, यानी कि हमें t 90% के अराउंड से इसको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट का हमें लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। देखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8 एंड 1/10 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा कितना होता है, ए नॉट। वो कह रहा है इसका 1/8, यानी t 1/8 और t 1/10 दिया हुआ है। कितना दिया, देखिए क्या वो भी t के ही टर्म्स में दिया है, अच्छा कोई बात नहीं, दैट इज गिवेन t/8 and t/10। ये टाइम टेकन दिया है 1/8% और 1/10% के लिए। तो चलिए वो ये कह रहा है कोई एक रिएक्शन है जो स्टार्ट होती है और वो तब तक चलती रहती है जब तक कि उसका कंसंट्रेशन 1/8 नहीं आता है, और जब 1/8 आता है तो उस टाइम पर उसको टाइम कितना लगता है, t/8। उसी कंसंट्रेशन को 1/10 पहुंचने के लिए उसका कितना टाइम लगता है, t/10। यानी कि ये मुझे क्या दिया है, 80 दिया हुआ है कि इतना कंसंट्रेशन बचा है। तो बस आप फॉर्मूला लगा दें अपना, जब हम t 1/8 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 2.303 अपॉन के log बेस 10 ए नॉट अपॉन 80। 80 कितना कह रहा है, वो 1/8 हो जाता है, तो 1/8 ऑफ ए नॉट
हाँ किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो 1/8 ऑफ ए नॉट। बताइए ये 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको क्या मिलने वाला है, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, और ये मिलेगा हमें 8। 8 को भी हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा ना, 2 × 2 = 4 × 8, 2 का क्यूब। अब मैं इस 3 को आगे भेज दूं तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये 3 आगे आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 3 × 2 = 6, हाँ 6.909, नेक्स्ट पेज लिखना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 6.909 अपॉन के फिर लॉग बेस 10, ये 2 बचेगा, लॉग 2 की वैल्यू बेस 10 में, हाँ दैट इज 0.3। आप इसको भी चाहें तो सॉल्व भी करते, वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं, बट अगर आप कर दें तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 2 × 7 = 18, 19, 20, और डेसिमल्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 2.0727 अपॉन के, ये हो गई t/8। इसी तरह हम क्या कैलकुलेट करें, t 1/10, और वो वैल्यू भी आएगी 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, फिर से ए नॉट अपॉन 80। इस बार 80 की जगह हम क्या लिखेंगे, हाँ 1/10 ऑफ ए नॉट, फिर से ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, 10 ऊपर आ गया, और ये देखिए ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया होगा, बताइए लॉग बेस 10 और 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि हम चाहें तो इनको हटा सकते हैं, और ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 2.303 अपॉन के, चलिए हमें t 1/8 और t 1/10 मिल गया, राइट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है t 1/8 अपॉन t 1/10 इंटू 10। देखिए उनसे कह रहा है हमें कैलकुलेट करना है t 1/8 t 1/10 इंटू 10 की वैल्यू, तो अभी देखिए t 1/8 की वैल्यू कितनी आई थी, किधर गया, 2.303, राइट, यही आया था ना, इसको सॉल्व किए रहे होंगे हम लोग, हाँ 2.303 अपॉन के, नहीं है तो सेकंड का ये है 2.0727 अपॉन के, सो वी विल राइट डाउन 2.0727 अपॉन के डिवाइडेड बाई t 1/10, दैट इज 2.303 अपॉन के, 2.303 अपॉन के, देखिए के से के चला जाएगा, इंटू 10 है तो यहाँ पे इंटू 10 लिख लें, और ये वैल्यू हो जाएगी 2.0727 अपॉन 2.303 इंटू 10, डेसिमल हटा दें तो नीचे कितना आ जाएगा, ये और मुसीबत आते हैं, सिट कोई नहीं, तो यहाँ नीचे आएगा 40, 1, 2, 3, 4, और यहाँ का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 30। आप देखिए 30 और 1 40 सब कैंसिल हो गए, क्या मिला मुझे, 20727 अपॉन 2303। आप इसको एक बार चेक करें तो ये 9 टाइम्स में डिवाइड होता है और आपका आंसर आ गया 9। बस ऐसे कैलकुलेशंस कई बार आपको दे के करा लेगा, आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फिर तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। हाँ लेंदी तो होगा ही, कैलकुलेशंस हैं तो थोड़ी बहुत लेंदी तो होगा ही, देखिए आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 9। तो फिर से लाइट कट गई, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट जो आपका चैलेंज क्वेश्चन है, दो चैलेंज क्वेश्चंस है ना, आप दोनों चैलेंज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये हमारा सेकेंड चैलेंज है, और इसी तरह फर्स्ट चैलेंज है, उनके ऑप्शंस को आप क्या करेंगे, फर्स्ट चैलेंज में तो बस प्रूव करना है ना, फर्स्ट चैलेंज नहीं, सेकेंड चैलेंज को आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड दोनों ही चैलेंज के ऑप्शंस जो सही होंगे आपको आके वहाँ पे कमेंट करना है। टिल दैट थैंक यू सो मच।